किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 11 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में आप 2018, 19 और 20 के मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत के इतिहास में एक सुनहरा दिन है ये, और इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस यानी कि जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बताया है। देखिए जो आपके नीरज चोपड़ा हैं वर्तमान में 23 साल के हैं और ये जो है अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। देखिए ओलंपिक के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, इसका मैंने कल वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल में भी मैंने उसको शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसकी वीडियो की लिंक और पीडीएफ लिंक मिल जाएगी आपको। तो आप अगर उन सोशल साइटों से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके जुड़ जाइए और उन सभी वीडियो को देख डालिए ताकि वहाँ से जी मतलब ओलंपिक से जुड़े जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं आप जो है उनका आसानी से जवाब दे सकें। तो ओलंपिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न आज का है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ये भी एक हिस्टोरिकल प्रश्न है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ये UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए कोई भी इवेंट अगर पहली बार हो रहा है तो फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट और कोई भी घटना पहली बार दुनिया में होती है तो एग्ज़ाम में वो जरूर पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इस टाइप के प्रश्नों की एग्ज़ाम में भरमार रहती है। तो उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जो है ये आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की और इसके साथ ही पीएम मोदी UNSC की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। देखिए आपको बता दूं जो ये अगस्त का महीना चल रहा है ये भारत के लिए बहुत ही खास है। देखिए बिहार में भारत ने फ्रांस से जो है पदभार ग्रहण किया था UNSC के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो अगस्त 2021 के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के का अध्यक्ष जो है भारत है, तो इसीलिए भारत के पीएम ने जो है अभी हाल ही में इस डिबेट की अध्यक्षता की थी। और देखिए अगर जो अध्यक्ष है तो वो कुछ जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को कैसे संचालित करना है। ठीक है, तो पीएम मोदी देखिए जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो बोलते जो हैं वो एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इन्होंने क्या क्या बोला मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं जो आपकी ये उच्च स्तरीय खुली बहस हुई थी यानी कि ओपन डिबेट हुई थी तो इसका विषय रखा गया था समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला। ठीक है, यानी कि इन्हांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन था। ठीक है, तो इसका जो विषय यानी कि थीम याद रखिएगा। देखिए जो ये डिबेट हुई थी तो इस डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जिनका समुद्री व्यापार यानी कि मैरीटाइम ट्रेड और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के संबंध संदर्भ में जो है पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल क्या क्या है। देखिए इन पांचों में पहला शामिल है मुक्त समुद्री व्यापार बाधाओं के बिना, दूसरा है समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, तीसरा है समुद्री खतरों का मुकाबला करना, चौथा है जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना और पांचवा है समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण। तो इसको याद रखिएगा। और जो आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है
तो हमेशा याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और देखिए तीसरा प्रश्न आपका है विश्व शेर दिवस। देखिए शेर शब्द सुनते ही जो है आपका जो हौसला है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कहते हैं जियो मेरे शेर, तो शेर के लिए जो है एक दिवस भी है, 10 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व शेर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लायन डे। यहाँ पे देखिए एक लायन की फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपका विश्व शेर दिवस है ये जानवरों के राजा और जंगल का राजा भी बोला जाता है, तो जानवरों के राजा और उनके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। देखिए शेर जो है ये अपने साहस, बुद्धि, शक्ति और भव्यता के कारण काफी लोकप्रिय है, और शेर अक्सर आपको जो है राष्ट्रीय ध्वज पे दिख जाता होगा, और जितने भी शाही प्रतीक हैं उन पर शेर दिख जाता होगा, जैसे कि आपका देखिए अशोक पिलर है जो कि अशोक स्तंभ जो है उस पे देखिए शेरों के आपको जो वहाँ पे ऊपर जो है मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और देखिए संस्कृतियों में आदेश, शक्ति का अधिकार दर्शाने वाले प्रतीकों पर जो है शेर आपका दर्शित होता है, और आपने देखा होगा कि फला फला नेताओं को कहते हैं ये भारत का शेर है, तो सभी शेर हैं, सभी भारत माँ के सपूत हैं, चाहे कोई भी नेता हो। हाँ गलत काम करने वाला नेता जो हो वो चूहा है, गीदड़ है, ठीक है, जो अच्छे काम करने वाले नेता हैं उनको आप शेर बोल सकते हैं। देखिए आपको बता दूं जो आपका विश्व शेर दिवस है ये 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस को हम 10 अगस्त को मनाते हैं। देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा मनाया गया था। देखिए जो आपका जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल होता है ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन होता है, और इसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगा। देखिए बायोफ्यूल होता क्या है, आपने देखा होगा कि भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे कि गन्ने से जो है जो देखिए गन्ने से तो वैसे चीनी बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका यूज किया जा सकता है किसलिए में, एथेनॉल उत्पादन में। एथेनॉल क्या है, एक बायोफ्यूल है, ठीक है, एथेनॉल को हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, और आप जो है बोतलों में भर के दारू गृह में उसको पीते भी हैं, तो जो लोग पीते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं पीते हैं वो अच्छे बच्चे हैं, तो देखिए शराब पीना बुरी बात है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाता है, 10 अगस्त को। और पांचवा प्रश्न की वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमन की अध्यक्ष कौन है। देखिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इनका नाम जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, ठीक है, ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता है राष्ट्रीय महिला आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हो रहा था, इसीलिए भारत सरकार ने इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है, और रेखा शर्मा जो है ये अब 7 अगस्त 2021 से 65 वर्ष की आयु कंप्लीट करने तक या फिर अगले आदेश तक या फिर जो भी जल्दी हो, यानी कि जब तक भारत सरकार इनको पद पर रखना चाहे, तो मिनिमम 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंट किया गया, ठीक है, यानी फिर से इनके पद पर जो है नियुक्त किया गया है। इनकी उम्र वर्तमान में 57 साल है। इन्होंने पहली बार 7 अगस्त 2018 को NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो रेखा शर्मा जो है ये अब 3 साल के लिए और जो है बनी रहेंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये आपके लिए आसानी भी हो गई, आपने पहले भी यही नाम रटा था और 3 साल तक एग्जाम में यही पूछा जाएगा। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका गठन 1992 में हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। देखिए चीन जो है ये यार लगातार बीमारियां फैलाते ही जा रहा है, चीन में एक नई बीमारी आ गई है एंथ्रेक्स निमोनिया, ठीक है, तो एंथ्रेक्स निमोनिया का मामला चीन में देखा गया है, और जिस व्यक्ति में ये मामला देखा गया है वो जानवरों के आसपास थोड़ा सा गंदे वंदे एक तरीके से कहा जाए मवेशियों और भेड़ और दूषित उत्पादों के संपर्क में आया था। और देखिए ये व्यक्ति जो है ये चीन के उत्तर में स्थित हेबई प्रांत के चेंगदे शहर में जो है ये व्यक्ति रहता है, ठीक है, तो वहीं पर ये मरीज पाया गया है, इसका इलाज चल रहा है, इसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया है, देखते हैं ये बचता है कि नहीं बचता है। देखिए जो आपका एंथ्रेक्स निमोनिया ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्यों है, देखिए सबसे ज़्यादा
खतरनाक एंथ्रेक्स निमोनिया होता है। ये बीमारी तब फैलती है जब किसी व्यक्ति के सांस के जरिए जो आपका बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का एक रोगाणु है, ठीक है, ये शरीर में चला जाता है। रोगाणु मतलब जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियल बीमारी है एंथ्रेक्स निमोनिया। देखिए वैसे निमोनिया जो नॉर्मल निमोनिया होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा फैलता है, लेकिन ये जो आपका एंथ्रेक्स निमोनिया है ये किसके द्वारा फैलता है? बैसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा, ठीक है। और बैसिलस कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये देखिए जो लोग बायोलॉजी के होंगे उनको पता होगा कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, बैसिलस और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वह हमारा अभी चर्चा का विषय नहीं है। सातवां प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया? तो देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व गेंदबाज थे शॉन टेट, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो शॉन टेट को, जिनको द वाइल्ड थिंग के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है। और ये पहली बार होगा जब शॉन टेट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोचिंग संभालेंगे। तो शॉन टेट का उपनाम क्या है? द वाइल्ड थिंग। और इन्हें जो है दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता था अपने समय में, अब तो ये कोच बन गए हैं। आठवां प्रश्न की भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए भारत के ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी आपके हैं गोपाल भेंगरा। देखिए भेंगरा जो ये मूलतः सेना में थे, 1978 में अर्जेंटीना विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य थे और मास्को में भी भारत की ओर से इन्होंने लीडरशिप किया था। और बताते हैं कि इनका जो चयन है ये ओलंपिक के लिए भी हुआ था, लेकिन इनको जो है खेलने का मौका नहीं मिल सका, इनको वेटिंग में रखा गया था। ये झारखंड के रांची के निवासी थे। कौन? गोपाल भेंगरा। और एक दुर्भाग्य ये देखिए, ये पहले सेना में थे, बाद में ये हॉकी टीम में भी मतलब गए। रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन का पैसा मिलता था, इनके दो बेटे हैं तो उससे इनका खर्चा चलता था, और ये जो है अपना गुजारा करने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते थे। तो देखिए भारत के खिलाड़ियों पर ऐसे राज्य सरकारें जो है मतलब बहुत ही जुल्म कर रही हैं, उनको वो सम्मान नहीं दे रही हैं जो मिलना चाहिए। तो जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। नए वालों को तो खूब पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पुराने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए इन्होंने देश के लिए खेला था। नवा प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? तो ये भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, ठीक है, इन्होंने हाल ही में संसद में एक स्टेटमेंट में बताया कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप बोलते हैं, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो इसके जो है टोटल 65% मामले जो है ये 15 से 45 आयु वर्ग के हैं। यानी कि भारत में सबसे अधिक जो है 15 से 45 आयु वर्ग के लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से जो है संक्रमित हैं। देखिए टीबी में संक्रमण क्या होता है? लंग्स यानी कि फेफड़े में होता है, और निमोनिया में भी फेफड़े में ही संक्रमण होता है, ठीक है। निमोनिया में लंग्स में पानी भरने लगता है, और टीबी में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, बलगम वगैरह का निर्माण ज़्यादा करता है, ये पूरा लंग्स जो है बलगम से भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इंसान दम तोड़ देता है। आपने देखा होगा टीबी के जो मरीज होते हैं उनको अक्सर जो है खांसी आती रहती है और बलगम आते रहता है, वो थूकते रहते हैं, तो उसी को अवॉइड करना होता है, उनके मतलब खांसने छींकने से दूर रहना पड़ता है, इससे टीबी के संक्रमण से बचने के लिए। तो मैक्सिमम उनको मास्क वगैरह लगाने का सलाह दिया जाता है, और इलाज तो मतलब चलता ही है। देखिए खैर टीबी का इलाज तो है, लेकिन अगर सही समय से पता चले कि इस व्यक्ति को टीबी है, प्रारंभिक समय में ही यानी कि अभी संक्रमण हुआ हो कुछ दिन बाद पता चल जाए तो उसका इलाज किया जाए, तो आसानी से टीबी को ख़त्म किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को टीबी है, ठीक है, तो जब तक उसका कंप्लीट इलाज ना हो जाए, जब तक टीबी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बाद में क्या होता है, अगर इलाज के बीच में ही उसको छोड़ दिया गया तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो ट्रीटमेंट में दवा यूज की जा रही है उसके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है, तो बाद में वही दवा उस पर काम नहीं करती है। तो कभी भी टीबी के मरीज का इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके लिए सरकार कैंपेन भी चला रही है। देखिए मैं आपको अब वो खास बात बताऊंगा जो एग्ज़ाम में अब तक कई बार पूछा चुका है और पूछा भी जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए जो ये जो टीबी के मामले हैं 65%, ठीक है, 15 से 45 आयु वर्ग के,
लोगों के बीच में। तो इनमें से जो है 58% मामले जो है ये ग्रामीण इलाकों के हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टीबी से संक्रमित लोग कहाँ पे हैं, गांव में हैं। और देखिए भारत का एक टारगेट है 2030 का जो वैश्विक लक्ष्य है, ठीक है, उससे 5 साल पहले यानी कि 2025 तक भारत में टीबी के मामलों को ख़त्म करना। देखिए एक वैश्विक टारगेट है, पूरी दुनिया ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन लीड करता है दुनिया को स्वास्थ्य के मामलों में, तो WHO ने टारगेट किया था कि वो 2030 तक जो है टीबी को पूरी तरीके से दुनिया में ख़त्म कर देगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से एक्टिव हैं। देखिए मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई लोग कहते हैं नहीं सर आप पार्टी बात कर रहे हैं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करी जानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो हमारा विरोधी हो या फिर हमारा समर्थक हो। तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने कहा नहीं हम 2030 नहीं, हम 2025 में ही जो है टीबी के मामलों को ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से भारत में। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बहादुरी भरा काम है ये। और 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो देखिए आज फिर एक बार करंट अफेयर के साथ साथ इतिहास का अध्ययन करेंगे। देखिए ये उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और लखनऊ स्टेशन से आप चलेंगे हरदोई के बीच में, ठीक है, तो लखनऊ से हरदोई के बीच में जब ट्रेन का सफ़र आप करेंगे तो लखनऊ से कुछ दूर पर ही स्थित है आपका एक काकोरी स्टेशन, ऐसा आपको काकोरी लिखा हुआ एक बोर्ड मिल जाएगा, तो वही है काकोरी स्टेशन। वहीं पर ऐतिहासिक घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, और उसको काकोरी कांड नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था नहीं वो कांड नहीं था, वो जो है एक घटना थी जिसमें हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जो खजाना था उसको जो है हथियाने की कोशिश की, ताकि उसको स्वतंत्रता संग्राम में जो है मतलब उस पैसे को खर्च किया जाए, तो उसको कांड ना कह के उसको एक जो है इन्होंने कहा ये एक एक्शन था, यानी कि एक क्रिया थी जिसके द्वारा मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके लिए हथियार या फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है फंडिंग इकट्ठा करना चाहते थे। तो देखिए आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो आपका स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है जो 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही जो ट्रेन थी तो इसको काकोरी स्टेशन पर लूट लिया था, तो इसको जो है तभी से काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। और काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारी शामिल थे, और इसके मेन लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और अशफाक उल्ला खां। तो इन सभी को बाद में फांसी भी हो गई थी। याद रखेगा कि जो काकोरी कांड था, ठीक है, तो काकोरी कांड अब इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। और ये काकोरी प्लेस कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, मैंने आपको बताया अभी। 11वां प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में युद्ध में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए अब भारत की महिलाएं जो है ये किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर आ गई हैं, और इनको भी अधिकार दिया गया है कि ये भी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए ये जो है बॉर्डर यानी कि सीमा पर तैनात हो। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, ठीक है, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसको ITBP के नाम से आप जानते हैं, तो ITBP में युद्ध में शामिल किया गया है 2 महिलाओं को, पहले का नाम है प्रकृति, दूसरे का नाम है दीक्षा। तो प्रकृति और दीक्षा जो ये बॉर्डर पर तैनात की गई हैं चीन से लोहा लेने के लिए। देखिए पहली बार ITBP बल की रक्षा करने वाली भारतीय चीन LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने जो है युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों प्रकृति और दीक्षा को ITBP बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात किया है, ठीक है, ये दोनों कंपनी कमांडर के रूप में काम करेंगी प्रकृति और दीक्षा। देखिए अब तक ITBP में जो मेडिकल कोर होता है यानी कि चिकित्सा शाखा होती है उसी में केवल महिला अधिकारियों को काम करने का जो है मौका मिला था, लेकिन अभी युद्ध में भी पार्टिसिपेट करेंगी। और ये 2 महिलाएं पहली कौन है जो युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगी ITBP की तरफ से, प्रकृति और दीक्षा हैं, इनका नाम याद रखेगा। देखिए ITBP जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे।
देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? आंसर बताइए इसका। दूसरा कि विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, बताइए। और चौथा है कि किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया, बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही। का पहला प्रश्न था कि भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये तिथि आपकी है 8 अगस्त। दूसरा था कि हाल ही में किस एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है, तो देखिए इसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। और तीसरा था कि वर्तमान में अगस्त 2021 की बात कर रही है, ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है भारत के, तो देखिए ये व्यक्ति अब क्या है, किरण रिजिजू। और चौथा था कि अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सदस्य कौन बना, तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि मरीन नेशनल पार्क से मूंगे यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त जो सनस्क्रीन होता है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये प्रतिबंध थाईलैंड ने लगाया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।